साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से पपीज में जो लेग बेंडिंग होती है उस प्रॉब्लम्स का कारण और उसका सॉल्यूशंस हम आज वीडियो में विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पपीज़ में लेग बेंडिंग के जो कारण होते हैं वो बड़े डॉग्स की बजाय कुछ अलग होते हैं, यानी कुछ भिन्नताएं होती है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को दो भागों में बांटा है। जो पहला वीडियो है वो आपके लिए पपीज़ के लिए जो ये वीडियो है ही, सेकेंड जो वीडियो हमने तैयार किया था जो बड़े डॉग्स के लिए है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि बड़े डॉग्स में लेग बेंडिंग के क्या कारण हैं और क्या हमें इसके सॉल्यूशंस करने हैं। तो आज जब पपीज़ की बात कर रहे हैं तो विशेष तौर से पपीज़ में जो लेग बेंडिंग होती है, अधिकतर जो हमारे नए पेट ओनर्स हैं, जो पहली बार पप्पी घर पे लाए हैं, उनके साथ ये समस्या ज़्यादा होती है। जो पहले से रख रहे हैं उन्हें पता होता है कि क्या कारण है, इसके क्या सॉल्यूशंस करने हैं। तो सबसे प्रमुख जो कारण है पपीज़ में वो होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिंस में भी, जैसे विटामिन D3 है, विटामिन ए है, बी है या सी है, इनकी कमी हो जाती है, या जो बोन कार्टिलेज होते हैं वो कमज़ोर रहते हैं, कम रहते हैं, तो उनकी वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। कई बार हाई प्रोटीन जब हम अपने पपीज़ को देते हैं उनकी वजह से भी दिक्कत देखी गई है। तो ये सभी कारण जो है वो न्यूट्रिशनल कारण हैं। इनमें अगर आपको ये दूर करने हैं तो पहला स्टेप आपको ये लेना होगा कि जो मदर मिल्क हम अपने पप्पी को दे रहे हैं वो प्रॉपर फीडिंग हो उसकी, यानी मदर मिल्क हमें प्रॉपर देना है, खूब देना है, जितना भी वो पिए। इसके अलावा अगर बाय द वे किसी भी कारण से मदर मिल्क नहीं मिल रहा है तो हम मिल्क रिप्लेसर देते हैं। तो मिल्क रिप्लेसर जो हम एक या डेढ़ महीने तक की एज में देते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसकी जो फीडिंग है वो कम से कम 15 से 20 ml हमें 5 बार करवानी है। कई बार फीडिंग की कमी की वजह से भी ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो हो जाती है, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपको पपी स्टार्टर फूड बताया हुआ है, जो ही हम मदर मिल्क बंद करें या मिल्क रिप्लेसर बंद करें एक महीने की एज पे, तो उस समय आप स्टार्टर फूड दें, उसमें भी सारे के सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो बैलेंस्ड मात्रा में होते हैं। यहाँ मैंने बैलेंस का शब्द यूज़ किया है। बैलेंस्ड का मतलब होता है ना तो ज़्यादा और ना ही कम। कई बार क्या होता है पपीज़ में कैल्शियम फास्फोरस का लेवल बिगड़ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम की कमी से भी हो, कैल्शियम फास्फोरस का दोनों का लेवल बराबर रहना चाहिए, विटामिन्स का लेवल रहना चाहिए। उस लेवल में डिस्टर्बेंस की वजह से भी न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी हो जाती है और लेग बेंडिंग हो जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है फ्रेंड्स वो होता है हाउसिंग का, यानी आप उसे कहाँ रख रहे हैं। जहाँ पे पपी खेल रहा होता है या चल रहा होता है या खड़ा होता है, वो जगह अगर चिकनी है, यानी वो जो फर्श है वो चिकना है, तो बराबर ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी, उसकी जो पैर है वो ग्रिपिंग नहीं कर पाएंगे, इधर उधर फिस लेंगे, तो फिसलने की वजह से वो अपनी बॉडी कंट्रोल करने के लिए दूसरी जगह, यानी जो जॉइंट्स है उस पर जोर लगाएगा, तो जोर जॉइंट्स पे लगेंगे तो वो घूम जाएंगे। तो इस प्रकार से भी अगर चिकना फर्श आपके पास है तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि उस फर्श में बदलाव कर दें, यानी कि आप रफ फर्श जो है वो अपने पपी के लिए उपलब्ध करवाएं। और ज़्यादातर कई भाई लोग क्या करते हैं, चेनिंग करते हैं, यानी कि उसे बांध करके रखते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें कि एक्सरसाइज का भी एक प्रमुख कारण होता है। आप पपीज की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाएं, ये नहीं मैं कहता कि ज़्यादा घुमाएं, एक्सरसाइज कम होगी तो भी नुकसान है, और एक्सरसाइज अगर ज़्यादा होगी पपीज़ में, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज होती है तो भी तकलीफ हो जाती है। कई फ्रेंड्स जो है हमने आपको हिदायत दे रखी है कि 3 महीने से पहले या 4 महीने से पहले आप अपने पप्पी को बाहर ना ले जाएं घुमाने के लिए, लेकिन कई फ्रेंड्स गलती कर देते हैं और बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो ज़्यादा जब वो दौड़ता है, जंपिंग करता है, यानी कि एक्सरसाइज जब ओवर हो जाती है, तो उस स्थिति में भी लेग बेंडिंग के चांसेस रहते हैं अगर ये लगातार हुआ तो। तो ये आप ध्यान रखें, एक्सरसाइज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ना भी ज़्यादा हो और ना ही कम हो। इसके अलावा एक कारण और होता है हेरिडिटी का, यानी आनुवंशिकता। कई बार उसके माँ बाप में अगर ये लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम है
तो चांसेस बनते हैं कि बच्चे में भी लेग बेंडिंग हो। तो ये आप जब भी पप्पी खरीद के लाते हैं उस समय आप चेक कर लें, मदर को चेक कर लें, उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, जो हमने अलग वीडियो में बताया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना कि हमें पप्पी लाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो ये जो कारण है उनको भी हमें दूर करना है। पहला जो मैंने कारण न्यूट्रिशंस वाला बताया था उसमें आप ये विशेष ध्यान रखें कि कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन D3, A, B, C, इन सभी के लिए मार्केट में मल्टी विटामिन्स मिलते हैं। तो आप अपने नज़दीकी पेट को सलाह करके कि भाई हमें कौन सा देना चाहिए, मेरे पास ये ब्रिड है तो इसके लिए कौन सा देना चाहिए, तो वो सलाह करके आप मल्टी विटामिन कैल्शियम अपने पप्पी को ज़रूर दें ताकि उससे फिर ये लेग बेंडिंग की जो समस्या है वो नहीं होगी। वैसे तो पपीज़ 1 या 1.5 साल तक की एज तक बढ़ते रहते हैं, उनमें ग्रोइंग होती रहती है, लेकिन विशेष तौर से जो ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो होती है 1 से लेकर 3 महीने की एज में, यानी 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच की जो एज है इसमें आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी मैंने कारण बताए थे वो कारण अपने पप्पी के लिए नहीं करने हैं। ये एज जो होती है वो फास्ट ग्रोविंग एज होती है और इस एज में हमें जब उसको ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए ज़्यादा उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। ये आप अपने पेट की सलाह से डिसाइड कर लें।